अब आपको और मुझे ये तो पता है कि अब जो लड़के हैं वो किस टाइप का प्रैंक करते हैं, यानी मतलब अपनी वीडियोस में किस तरीके की वो मतलब असली असली चीजें दिखाते हैं, तो हमारे देश की नारी शक्ति कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने भी इस प्रैंक नाम के इस क्षेत्र में उतरने का फैसला किया। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा, एक मिनट मैं क्यों बताऊं मैं किसके बारे में बात करूं, खुद इंट्रोडक्शन देंगे ना। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चिक चिक बूम फायर में। मैं हूं आपके अपने सिमरन। केटू एक बार और चलाइए। चिक 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 बूम बूम चिक 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 बूम बूम चिक 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 फायर में। ज्यादा लोड मतलब ये चिक चिक का मतलब क्या, एक तरीके से समझो ये एक बवासीर है। इस मोहतरमा का नाम है सिमरन वर्मा और ये प्राणी दिल्ली में प्रैंक के नाम पर लोगों का काटते हुए मिल जाएगी। ओ तुमने लड़की के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया, तुमने रिस्पेक्ट नहीं। एक मिनट रुक जाओ, तुम पूरी वीडियो देखना फिर बात करना मेरे। 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर वाले इस चैनल के ऊपर आप लोगों को सोशल एक्सपेरिमेंट के नाम पर, प्रैंक के नाम पर असली चीजें देखने को मिल जाएंगी। भाई साहब पूरा हाउस का नंगा नाच चल रहा है इस चैनल के ऊपर। बरा का हुक किससे लगवाऊं, लड़की के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये थंबनेल तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ शुरुआत है। इससे भी भयंकर थंबनेल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी रुको ना, मैंने कहा तुम धैर्य रखो, तुम्हें सारी चीजें इसी वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करके दो। और ये कोई सोशल एक्सपेरिमेंट या प्रैंक की वीडियो नहीं है, खासकर ये वीडियो ज्यादातर ये जो गर्ल्स होती है इस चैनल पर आप जाके देखोगे तो गर्ल्स के प्राइवेट पार्ट्स या फिर जो सेक्स है उसी के बारे में ये सिर्फ और सिर्फ वीडियोस बनाई हुई है। और कमाल की बात तो यार कि इन लोगों को ऐसे लोग मिल जाते हैं, मतलब मुझे पता है कि यार ये स्क्रिप्टेड है, क्योंकि यार जो समझदार होगा वो ऑब्वियसली देखकर आराम से पता लगा लेगा यार वो स्क्रिप्टेड वीडियो है। कोई भी इंसान अपनी शक्ल, अपनी कोई लड़की जो है अपनी ऐसी वीडियो के अंदर आकर उसको लोग देखेंगे, एक्चुअल उसको सब पता है कि यार इतनी जनता उसको देखेगी तो क्या असर पड़ेगा। तो बकायदा सारी एग्रीमेंट वेग्रीमेंट होता है यार, तुम्हें नहीं पता तो बकायदा ये चीजें होती हैं। और तुम किसी भी इंसान की, अरे यार इवन एक लड़के की वीडियो, लड़की तो दूर की बात है, अगर एक लड़के की बिना उससे पूछे अगर तुम ऐसे डाल दो बिना कुछ उसकी बात हो तो भाई साहब वो भी तुम्हें घसीट सकता है कोर्ट के अंदर। खोल देता हूं इसकी शर्ट, नशे में समझकर लड़के ने किया कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब कैसा। 1.7 मिलियन व्यूज है इस वीडियो के ऊपर। और तुम्हें क्या लगता है कि इस वीडियो को देखने वाले लड़कों की प्रतिशत संख्या कितनी, अगर मुझसे पूछो तो 99.9% जो है वो लड़के हैं जो इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ ये थंबनेल देख के उन्होंने क्लिक किया, इसको देखा। अब तुम पूछोगे यार 1% क्या लड़के, ऑब्वियसली इस जैसी लड़कियां ऑब्वियसली होंगी इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया छोड़ो यार भारत के अंदर है। और तुम्हें मैं बताऊंगा ना, मैंने कहा तुम्हें मैं आसान आराम से बताऊंगा, बिल्कुल आसान शब्दों में तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि यूट्यूब पर कैसे कैसे लोग हैं जो व्यूज पाने के लिए ऐसी अश्लील थंबनेल लगाकर किस हद तक नीचे गिर चुके हैं। सेड्यूसिंग प्रैंक गॉन रॉन्ग, चिक चिक बूम, साली कपड़े उतार अपने, लड़के ने किन्नर समझ कर की गंदगी गंदी हरकत, लेस्बियन प्रैंक इन पार्क, लेस्बियन प्रैंक गॉन रॉन्ग, लेस्बियन प्रैंक गॉन रॉन्ग, लेस्बियन प्रैंक विद नॉर्थ ईस्ट गर्ल बाय सिमरन वर्मा, चिक चिक बूम। एक मिनट, ये वाली थंबनेल ये क्या है, इसके व्यूज देखे तुमने 1.1 मिलियन व्यूज यार। और तुम सोचो इस वीडियो के अंदर क्या देखने को मिलेगा, मतलब ऑब्वियसली यार ऐसे ऐसे थंबनेल यार क्या व्यूज पाने के लिए किस हद तक जा चुके हैं यार ये लोग। देखो यार एक सवाल मेरे दिल में नहीं मेरे दिमाग में उठ रहा है कि बार बार कि यार ये जो चीजें वो लेस्बियन की चीजें दिखा रहे हैं बार बार लेस्बियन बनाकर, तो क्या अब LGBTQ कम्युनिटी को कोई आपत्ति नहीं उन्हें, या फिर इस चीज से कोई फर्क पड़ता नहीं उन्हें, कुछ और चीज से फर्क पड़ता है। देखो समझने वाले इस बात को समझ जाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। अब एक सेम वाहियात के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर इतनी सारी वीडियोज इन्होंने बना के रख दी, ऑब्वियसली क्योंकि यार इसके ऊपर व्यूज आ रहे थे तो व्यूज को कौन गंवाना चाहेगा आखिर, मतलब ना बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया यही वाला खेल चल रहा है यूट्यूब के ऊपर। मेरा पप्पू क्यों पकड़ रहे हो, हाय हाय तुम्हारे निप्पल, सेड्यूसिंग प्रैंक ऑन बॉय। क्या बोलूं यार मैं, मतलब लोग व्यूज पाने के लिए क्या क्या पकड़ रहे हैं, मतलब शर्म करो यार तुम, मतलब हर जगह मुंह मारने पहुंच जा रहे हो, तुम्हारा इतना बड़ा कैसे निकल रहा है। अरे भगवान यार कसम मुझे शर्म आने लग गया यार ऐसी सी चीजें पढ़ने में, शायद YouTube मेरे वीडियो के ऊपर शायद वो क्या कहते हैं उसको एज रिस्ट्रिक्टेड कर सकता है, क्योंकि इसने पहले भी मेरी एज रिस्ट्रिक्टेड करके जिसके अंदर छोटा मोटा मैंने कोई लड़ाई का शायद ऐसा कुछ फाइटिंग का ऐसा सीन दिखा दिया था उसको लेके इसने मेरी वीडियो को मतलब वो एज रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। और इन जैसी वीडियोस बिना एज रिस्ट्रिक्टेड के चल रही हैं, कमाल है यार, मतलब देख रहे यार जो गाली तक नहीं देते उनकी वीडियो के ऊपर एज रिस्ट्रिक्शन आ रही है, और जहां पर ऐसा हवस का नाच चल रहा है वहां पर कमाल है यार कुछ भी नहीं यार, कितना भेदभाव कर रहा है यार यूट्यूब। एक्सपोज्ड कॉल गर्ल एक्सपोज्ड।
देख लो भाई साहब कमाल है, 4.7 मिलियन व्यू है यार इस वीडियो के ऊपर। मैं इस चैनल को देखकर मतलब हैरान हो गया यार, इसके अंदर क्या दिखाया जा रहा है और लोग इसको ग्रैब कर रहे हैं, और इवन यार लोग मान रहे हैं हकीकत की, ये हकीकत है। तुम पागल हो गया यार, तुम्हारा IQ मतलब जीरो लेवल का है कि तुम्हें पता भी नहीं चल रहा कि ये स्क्रिप्टेड है सारा का सारा। कोई भी इंसान अपनी वीडियो ऐसे पब्लिकली नहीं डालेगा, तुम्हें पता है कौन पैसे लेकर ये चीजें करते हैं, मतलब जो लोग हैं इसके अंदर आते हैं। और ये छोड़ो यार, और ये यही नहीं रुके हैं, ये तो और भी आगे बढ़ चुके हैं। अब तो सच में यार मैं स्पीचलेस हो गया यार, सच में कुछ बोलने को तक नहीं बचा है। ये लेवल तक आ चुके हैं, इस हद तक ये जा चुके हैं। अब तुम कहो कि यार तुम इससे नफरत करो, नहीं यार इस चीज का मैं विरोधी विरोधी नहीं हूं, ये चीजें ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि यार इसको पब्लिकली तुम ऐसे व्यूज पाने के लिए यूज करो यार। थोड़ी बहुत तो मतलब अपने लड़की होने पर तुम्हें शर्म, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि भाई तुम एक इस चीज का यूज पब्लिकली यूज कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ व्यूज पाने के लिए। कहाँ यार, समझ में नहीं आ रहा यार, सच में लिटरली कुछ बोलने को नहीं मिल रहा मुझे कि भी मैं कुछ कहूँ इनको मतलब। और अब ये अकेली लड़की नहीं है, ये पूरे की पूरी कचरा पट्टी इनकी एक टीम है। तुम जाकर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि पूरी की पूरी एक कचरा पट्टी की एक टीम काम करती है, जो ऐसी ही वीडियो के थ्रू व्यूज और सब्सक्राइबर पाती है। अब इन अकल के अंधों को इतना भी नहीं पता कि आने वाले टाइम में ये ऑब्वियसली जो ये नंबर ऑफ सब्सक्राइबर गेन करने से कुछ नहीं होता जब तक कि तुम्हारे पास क्वालिटी ऑफ सब्सक्राइबर ना पहुंच जाए। अगर तुम इन सब घटिया हरकतों को छोड़कर एक सिंपल साफ सुथरी अगर वीडियो बनाओ तो गारंटेड कहता हूं कि कोई भी तुम्हारी वीडियो को देखने नहीं आने वाला, क्योंकि यार तुमने तुम्हारी फेस वैल्यू ऑलरेडी मार्केट के अंदर इतनी गिरा दी है। लोग सिर्फ जो तुम्हारे ये जो 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर इकट्ठे हुए हैं वो सिर्फ ये गंध देखने के लिए इकट्ठे हुए, उनके दिमाग में ऑब्वियसली गंद ही भरा हुआ है, क्योंकि वो तुमने उसको गंद दिखाया और तुमने बस वो गंद इकट्ठा कर लिया अपने पास। जैसा तुम दिखाओगे वैसी ही जनता तुम्हारे पास आओगी, और तुम्हारी कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती उनके सामने। तुम कोई बात बोलोगे तुम्हें कोई सीरियसली नहीं लेगा। और इन कचरा पट्टी यूट्यूबर से इंस्पायर होकर जो लोग इस तरीके की वीडियोज बनाने की सोच रहे हैं, तो मैं उन्हें बता देता हूँ यह बात कि यार तुम अगर ऐसी वीडियोज बनाओगे तो तुम्हारी कोई भी नहीं सुनने वाला, सच में तुम्हारे शायद व्यूज चले जाएं, सब्सक्राइबर गेन हो जाए, लेकिन तुम्हें कोई सीरियस नहीं लेगा, तुम्हारी फेस वैल्यू नहीं रहेगा, लोगों में तुम्हारा ट्रस्ट नहीं रहेगा, और तुम सोचो यार तुम कहां जाओगे। एट द एंड तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा एक नंबर ऑफ सब्सक्राइबर मिलने के अलावा। मतलब एक इंसान की अपनी एक इज्जत होती है यार, कि वो जाए तो कोई उसका साथ मतलब जाता है तो वहां पर उसकी रिस्पेक्ट हो, बहुत अच्छी चीज लगती है यार, वो भले कम हो लेकिन इज्जत होनी चाहिए। नंबर ऑफ सब्सक्राइबर गेन करने से कुछ भी नहीं होने वाला। अब देखो यार मैं इसकी कोई वीडियो चलाकर तो दिखाने वाला हूं नहीं, क्योंकि मैं पागल नहीं हूं ऐसी चीजों को प्रमोट करता फिरूं कि ये देखो वो देखो। मेरा मकसद है यार ऐसे दिखाना कि तुम ऐसी घटिया चीजों से दूर रहो। तो बस आज का ये ड्रामा यहीं खत्म करते हैं। इस चैनल के ऊपर तो ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस पड़ी थी, मेरा मन तो था कि यार बहुत सारी डालूं लेकिन वीडियो और ज्यादा लेंथी हो जाती, मुझे लेंथी नहीं करनी थी, बस एक छोटा सा ये चीज बतानी थी कि हाँ किस तरीके की अभी वीडियोज जो है वो मार्केट में क्या यूट्यूब पे आई हुई है। ये अकेली नहीं है और भी है, टाइम टू टाइम उन चीजों को मैं कवर कर रहा हूँ, एक दो चीजें मैंने और डाल ली। आने वाले टाइम में तुम्हें इस चैनल पे आसानी से देखने को मिल जाएगा कौन कौन कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे मालूमात मुझे मिल रहे हैं कि मतलब देख के हैरान होता हूँ कि सच में किस चीज का घमंड वो पाले बैठे। मैं कोई भी अपनी आने वाली वीडियो को हिंट नहीं देना चाहता हूँ, टेंशन ना लो, पता चलेगा तुमको कुछ एक टाइम में आ जाएंगी। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।